हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के बारे में ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में फाइव मार्क्स में पूछते हैं स्टार्ट करते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या है डेफिनेशन क्या लिखी है इसकी थ्रोम्बो इज इन्फ्लामेशन ऑफ सुपरफिशियल वेन सुपरफिशियल वेन का इन्फ्लामेशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इटियोलॉजी क्या है क्यों हो रही है सुपरफिशियल वेन का इन्फ्लेन क्यों हो रहा है इट अकर मोर ऑफन इन वेलकोज वेन और आफ्टर इंट्रावीनस इन्फ्यूजन्स के बाद देखने को ये मिलता है इंट्रावीनस इन्फ्यूजन्स के बाद या फिर वेरिकोज वेन में क्या होता है इन्फ्लमेशन हो जाता है सुपरफिशियल वेन्स का देर इज ऑल्सो एसोसिएशन विद पॉलिसाइथीमिया पोलियाट्राइटिस बर्गर डिजीज एंड विसरल कैंसर इन बहुत बर्गर डिजीज एंड विसरल कैंसर थ्रोबो फ्लोबाइटिस में अफेक्ट वन वेन आफ्टर द अदर इट इज कॉल्ड थ्रोमोफ्लोबाइटिस माइग्रेंट दिस इज नोन एज ट्रॉसी साइन तो बर्गर डिजीज के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें ट्रॉसी साइन देखने को मिलता है कि पहले इस वेन का इन्फ्लेमेशन था अब दूसरी वेन का इन्फ्लेमेशन है तो इसको थ्रोम्बोफ्लोवाइटिस माइग्रेंट्स भी कहते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रॉसी साइन ठीक है ट्रॉसी साइन पॉजिटिव रहता है बर्गर डिजीज में तो ये हमने देख लिया एटियोलॉजी कहाँ पर देखने को मिलता है ये कौन सी केसेस में देखने को मिलता है वेरिकोज वेन और इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा इन्फ्लामेशन ऑफ सुपरफेशियल वेन जिसको थ्रोमोफ्लोपाइटिस डेफिनेशन लिख दिएटियोलॉजी लिख दिया क्लिनिकल फीचर पेशेंट यूजली कम्प्लेन ऑफ अ पेनफुल कॉर्ड लाइक इन फ्लेम्ड एरिया द इनफ्लेम्ड वेन तो पेनफुल्ड पेनफुल होगा ये और इनफ्लेम्ड रहेगा कॉर्ड लाइक इनफ्लेम्ड वेन देखने को मिलेगी केयरफुल पालपेशन पालपेशन विल रिवील अ फर्म कॉर्ड अलोंग द कोर्स ऑफ नॉन सुपरफेशियल वेन तो एक पालपेट करेंगे तो हमें कॉर्ड लाइक -like फ्लेम्ड एरिया देखने को मिलेगा देर में भी एसोसिएटेड रेडनेस देखने को मिल सकती है टेंडरनेस और लोकल इंडन देखने को मिल सकती है ट्रीटमेंट क्या करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ थ्रोबीटिंग हॉट बात करवाएंगे इट थ्राम्बस वगैरह नहीं बनने गए है ना इलास्टिक सपोर्ट शुड बी अप्लाइड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बाई अप्रोप्रेट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में क्या करेंगे एविडेंस ऑफ एसेंट ऑलनीट ऑपरेशन करेंगे लाइगेशन ऑफ वेन इज जस्टिफाइड